हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर गगनदीप कौर है। मैं एज कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड यूनिटोलॉजी डिपार्टमेंट मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में काम कर रही हूँ। आप सबको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ईच वन ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कि सर्दियाँ आ रही हैं, इस कंडीशन में हमारे न्यूबॉर्न्स की स्किन भी बहुत सॉफ्ट होती है, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत वीक होती है, और हम अपने नए जन्मे बच्चों को या छोटे बच्चों की हम केयर कैसे कर सकते हैं। देखिए, विंटर्स का टाइम अगर आ रहा है तो हम सबसे पहले तो बच्चों के क्लोथिंग का ध्यान रखें। कोशिश कीजिए बच्चों को 2 से 3 लेयर क्लोथिंग के कपड़ों के पहनाइए, और वो फ्री कपड़े होने चाहिए, कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए। ज़्यादा प्रिसीजन के लिए जितने आपको स्वेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जितनी लेयर्स आपको ज़रूरत पड़ती है, उससे एक एक्स्ट्रा लेयर ही अपने बच्चे को पहनाइए। बच्चों को एक लाइट कंफर्टेबल ब्लैंकेट दीजिए, अवॉइड हैवी ब्लैंकेट्स जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आए। और अगर आप बच्चे को बाहर लेकर जा रहे हैं तो हेड टू टो अच्छे से बच्चे को कवर कीजिए। जो बच्चे का रूम का टेम्परेचर है उसको बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना, 26-30 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको हीटर्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो प्रेफरेबली ऑयल हीटर्स यूज़ कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ह्यूमिडिफायर्स ज़रूर यूज़ कीजिए साथ में। ह्यूमिडिफायर्स से जो हमारे रूम टेम्परेचर है उसमें मॉइस्चर रहता है, उससे बच्चे की स्किन हाइड्रेटेड रहती है, बच्चे में हाइड्रेशन रहती है, और इवन बच्चे की जो नेजल सिक्रीशंस है वो भी ड्राई नहीं होती। अगर आपको लगता है कि बच्चों के नाक से आवाज़ आ रही है, सिक्रीशंस बहुत ड्राई हो रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर सिंपल सलाइन ड्रॉप्स नाक में डाल सकते हैं। नेक्स्ट आती है बच्चे की स्किन। बच्चे की स्किन भी बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसलिए ज़रूरी है हम स्किन केयर भी बच्चे की बहुत अच्छे से करें। आप हमेशा एक माइल्ड सोप या माइल्ड शैम्पू ही यूज़ कीजिए, जो आप अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ कर सकते हैं, बट रेगुलरली और बहुत एक्सेसिव सोप या मॉइस्चराइज़र या शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्वाइस या थ्राइस अ वीक अपना सोप यूज़ कर सकते हैं, और अभी जब आपका बच्चा गीला ही है तो आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र बच्चे को यूज़ कीजिए, ताकि बच्चे की स्किन हाइड्रेटेड रहे। ओवर द काउंटर मॉइस्चराइजर्स मत लीजिए, अपने डॉक्टर से पूछिए। आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जो सिरामिड रिच होता है, पैराबेन फ्री होता है, आपके बच्चे की स्किन के लिए अच्छा है, आपको मॉइस्चराइज़र बता सकते हैं। आप अपने बच्चे की मसाज भी कर सकते हैं सर्दियों में, और इससे ये हेल्प होता है कि बच्चे की ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। और बच्चे की मसाज करने के लिए, मालिश करने के लिए आप नेचुरल ऑयल्स ही यूज़ कीजिए, जैसे कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल। आपको उसमें कुछ गार्लिक या जो क्लोव्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर के जो देसी नुस्खे यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने की नहीं ज़रूरत। अगर आपने बच्चे को नहलाना है तो आप उसको डेली में नहला सकते हैं या अल्टरनेट डे नहला सकते हैं, ल्यूक वार्म वाटर के साथ, मतलब हल्के गुनगुने पानी के साथ। पर आप जिस जगह पे बच्चे को नहला रहे हैं वो जगह गर्म होनी चाहिए, या आप थोड़ा हीटर यूज़ कर सकते हैं। और इमिजिएटली बच्चे को टॉवल से रैप करके रूम में ले आइए, और हल्का डैम्पली बच्चे पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए, और फिर बच्चे को कपड़े पहना दीजिए। नेक्स्ट चीज़ ज़रूरत है कि अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग है, मतलब 6 मंथ से कम है, तो आप बच्चे को रेगुलरली ब्रेस्ट फीड कीजिए, ताकि बच्चे की इम्यूनिटी बनी रहे। और अगर आप अपने बच्चे को सॉलिड्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रेफरेबली आप बच्चों को सूप्स दे सकते हैं, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, और साथ साथ में रेगुलरली बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते रहिए। नेक्स्ट इज कि बच्चे की वैक्सीनेशंस को मिस मत कीजिए। ये मत सोचिए कि सर्दी का टाइम है, हम हॉस्पिटल विजिट्स को पोस्टपोन करें या वैक्सीनेशंस को हम पोस्टपोन कर दें। नहीं, वैक्सीनेशंस टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि इस टाइम पे वैसे ही बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है, तो ज़रूरी है कि टाइम पर वैक्सीनेशंस हो, ताकि बच्चा किसी खतरनाक बीमारी से बच सके। और लास्ट इज अच्छी हैंड हाइजीन मेंटेन कीजिए, बच्चे के आसपास पूरी सफाई रखिए, ताकि बच्चे वायरल्स या फ्लू जैसी बीमारियों से बच सके। थैंक यू सो मच। फॉर मोर कंसल्टेशंस आप कभी भी हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।